हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हैशटैग लाइफ इज लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। आपको एक बार फिर हम वेलकम करते हैं हमारे आज के शो में। और मजे की बात यह है कि कल हम लोगों ने अपना माइलस्टोन जो है वो मुकम्मल किया है, 100 एपिसोड्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। और कल हमने यहाँ पे काफ़ी मस्ती की, हमने केक भी काटा मगर उसके बाद खाया नहीं, काट लिया था बस। मगर बहुत अच्छा लगा हमें ये 100 एपिसोड्स आप लोगों के साथ, हमने ये 100 एपिसोड गुजारे हैं और बहुत हर एपिसोड जो है हैज़ क्रिएटेड अ मेमोरी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब जो हमारी जर्नी है वो फ्रेश स्टार्ट है, एक नया स्टार्ट हम फिर से ले रहे हैं। और इस जर्नी में आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आने वाली हैं, बहुत सी नई एडिशंस आपको हमारे शो में नज़र आने वाली हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज के जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। मगर इससे पहले मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो आप लोग टीवी स्क्रीन पे हमें बैठ के इस टाइम देख रहे हैं, कि आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स को देख सकते हो, नंबर्स को देखिए और हमें कॉल करें। और आज भी हमें आप कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि कल काफ़ी लोगों की कॉल्स नहीं मिल सकी होंगी, लाइन बिजी जारी होगी और बहुत सी कन्फ्यूजन के दौरान हम आपसे बात नहीं कर पाए होंगे। तो जितने लोगों ने कल हमें कॉल करनी थी वो आज कर सकते हैं और 100 एपिसोड की सेलिब्रेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। और ये एपिसोड्स आपके लिए कैसे रहे, ये सारा टाइम आपने जो हमारे साथ गुजारा उसके लिए हम आपका जिस तरह कल भी शुक्रिया अदा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मगर उसके साथ साथ हमारा आज का एक टॉपिक भी है और टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही कन्वेंशनल सा टॉपिक है कि यार मैं जो हूँ ना, मैं थोड़ा सा ना क्लासिक टाइप बंदा हूँ, मुझे ना थोड़े पुराने गाने, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। मैं उस टाइप के जनरा के या उस जनरेशन के गानों को बहुत इन्जॉय करता हूँ पर्सनली। मगर ये आज मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको वो जो हमारा एक तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी, म्यूज़िक इंडस्ट्री के भी बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लेजेंड्स ने वो गाने गाए हैं, उन पर परफॉर्म किया है, वो गाने पसंद है, ये जो आज के हमारे लेजेंड्स गाने गा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, या इवन जो न्यू कमर्स हैं, जो नया म्यूज़िक, जो नया ट्रेंड का म्यूज़िक बना रहे हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है। तो आज हम अपनी ऑडियंस से एक प्रेफरेंस कर लेंगे। और अगर आपने किसी के लिए भी ज़्यादा प्रेफरेंस दिखाई, आपका झुकाव किसी साइड पर ज़्यादा हुआ, तो उस जॉनरा के लिए या उस एरा के लिए हम एक पूरा एक ट्रिब्यूट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्लासिक को चूज़ किया तो हम पूरा क्लासिकल शो करेंगे, पूरा रेट्रो शो करेंगे। और अगर आपने न्यू एरा को चूज़ किया तो हम पूरा न्यू एरा पे शो करेंगे। तो आज आप लोगों ने चूज़ करना है और ये चॉइस है आपके हाथों में। और साथ साथ में आप 100 एपिसोड की सेलिब्रेशन भी हमें दे सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। साथ में आपको तो पता है द नॉर्मल फंडा एंड द गेम इज़ कि आप लोग हमें कॉल करके गा भी सकते हैं, कुछ सुना भी सकते हैं। और इसी नोट के ऊपर एक कॉल हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरावाला से नासिर। नासिर भाई क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत है, शुक्र है, ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। ये बताएं कि आप हमारा शो जो है वो कब से देख रहे हैं? वावा ही टाइम हो गया, दो कुमा हो गया, वावा टाइम हो गया। चलें जी, बहुत वावा शुक्रिया आपका। ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको अभी तक हमारा शो, सही ठीक लग रहा है? ठीक ही है, काम को पंजाबी शाबी गाने में चलाया करो। पंजाबी शाबी तो ये तो इत्थे रख जड़ा गाना है, तुसा सुनया? जी बड़ा सुनया। तो ओए तो पंजाबी गाना है जी, कल राती में सुनया है, परसों में दोबारा लगा ही, दो बारी लगाया। अच्छा, मतलब तुसा कह रहे ज्यादा चल गया, तो कोई और पंजाबी गाना भी इसलिए गाए, तो अड़ी फरमाइश करिए पंजाबी गाने दी, दसो। मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। तो बाबा ठीक है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तुहाडी कोई फरमाइश है पंजाबी गाने दी? जी नहीं, जो भी है ना वो ही सुना दो, ठीक है। अच्छा, एक एक गल, एक गल दसो नासिर साहब, तुसी मेनू के आपको ज्यादा गाने पुराने हमारे क्लासिकल गाने पसंद है या आजकल के जो जड़े गाने बन रहे ने वो तुम्हें ज्यादा पसंद है? ओ पुरानी हो गल गुजर गई, हुन आजकल के जो दौर चल रहे है दे मुताबिक ही होवे तो ठीक है। अच्छा, एदे मुताबिक आज तुसा आज ट्रेंडी हो, थोड़ा आजकल दे मुताबिक चल दियो है जी। मेहरबानी, चले जी, ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। और वावा टाइम से हमारा शो देख रहे हैं नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और नहीं नहीं, थोड़ा नाम आ गया, हुन तुसा परेशान ना हो, भट्टी साहब नाल तुसा भी बिल्कुल नेक टू नेक जा रहे हो, भट्टी साहब नाल फिक्र नहीं करनी। और इसी नोट पे हम चाह रहे हैं कि आज से ना हमने एक और नई रिवायत रखी है कि हम अपने कॉलर की ज्यादातर डिमांड को ऑन द स्पॉट पूरा करेंगे चुटकी बजाकर। तो चुटकी हमने बजा ली, गाना सुने पंजाबी गाना नासिर साहब आपके लिए सिर्फ। ओके जी, वेलकम बैक। और नी रक्सम रक्सम यार दिदर ते मैं जोगी बन के, क्या बात है यार इस गाने की,
और मज़ा आ गया। वेल आज ये हमारे लाइनअप में भी था और हमने इसको प्ले किया। हमारे कॉलर नासिर साहब की डिमांड है, उन्होंने कहा जी पंजाबी गाना तो नहीं लगा रहे थे, हमने कहा चलो जी लगा देते फिर आज फरमाइश पे। वेल एक और हमारे कॉलर हैं और टॉपिक ना भूलिएगा, टॉपिक ये है कि क्लासिक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है या ट्रेंडी, और उसके ऊपर हम लोग अपना पूरा एक शो भी एज ए ट्रिब्यूट शो रखेंगे। तो ये भी आपने माइंड में बात रखनी है जब आप कॉल करते हैं, और देखते हैं कि अभी जो कॉल कर रहे हैं वो कहाँ से कौन है और वो क्या कहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेख जफर इकबाल सरगोधा। जफर इकबाल साहब सरगोधा से कॉल करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा मुस्तफा? ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। मैं कभी ना कभी करता हूँ आपको, कल भी की थी। अच्छा, तो मैं यही कहूँगा सर कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें कॉल करते रहते हैं, रेगुलरली करते हैं। कल भी आपकी बिल्कुल कॉल आई थी। तो आप, वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारा शो शुरू से देख रहे हैं या कहीं बीच में से आपने ज्वाइन किया हमें? बेटा बात ये है, अभी टाइम मिला है, पहले तो मसरूफ था। अच्छा, बेटी के घर आया हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये थोड़ा टाइम मिलता है तो आपको मैं देखते रहता हूँ माशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप को जो हमारे क्लासिक गाने हुआ करते थे, कोको कोरिना हो गया या इस तरह के जितने दीगर बहुत से हिट गाने थे उस जमाने के, वो ज्यादा पसंद है या आज के दौर के जो गाने बन रहे हैं वो ज्यादा पसंद है? देखो बेटा बात ये, मैं तो पुराना हूँ, मैं मेहदी हसन के कभी गाने पसंद करता था, गजल। तो एक कोई गाना अब तो वो नहीं है। हाँ जी, तो वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बचपन में ये मेरे लाइन नहीं है, मैं तो जिमी घराले से तलक रखता हूँ, 80 साल मेरी उम्र है। अच्छा, लेकिन मेरी आवाज थी, एक दफा मैडम नूर जहाँ मुझे मिली थी तो उसने कहा था। अच्छा, ये मैं कुछ गाड़ी में बैठा था तो बोल रहा था। अच्छा अच्छा, 69 की बात थी। अच्छा, तो मेरे पास आ गई, वो कहने लगी आपकी आवाज अच्छी, मुझे आप खूबसूरत था, जवान था। हाँ, मैंने कहा भाई मैं तो ये काम नहीं करता, मैं तो जीने कराने। फिर उसने कहा अच्छा, फिर मैं तुम जाते वक्त कहती कि मैं तुम्हें दो बोल सुनाती हूँ बुल्ले शाह के, कजरी बने मेरी जात नहीं करती, मन रच के यार मनाव। तो मैं उन्होंने क्या आ टोला लग सीने लग जा अग इश्क दी अज बुझावन दे, ओंदा तू जाने मैं पढ़िया कोई तो मैं ये पढ़े नहीं मैं गुड़िया। तो अच्छा, ये बड़ी मिलता की थी, लेकिन मैं उस लबीर कबीर साहब पैसे वाला साहब दीन सरबरा सी, मेरा वालिद सरदार सी कबीले दा जी, जी। मैं तो उसको नहीं, लेकिन मेरी आवाज मुन पर रद्द है और पुरसरार है, मैं कभी आवांगा फिर तुसी देखना। नहीं जी, मैं आपको बताऊं सफर साहब, हमने जब भी आपको गाते हुए सुना हम ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है यकीनन। तो दो बोल आज हमारे लिए एक दफ़ा फिर हो जाएं, और इसी जो आप बुल्ले शाह का कलाम के जो बोल कह रहे थे, अगर इनको गुनगुना के हमारे लिए आज आप सुना दें। ठीक ठीक। हाँ जी, झूठ बोली कौन रुठड़ियार मनाम दाई। ऐसा कोई न मिली मैं ढूंढ तकी, तिजड़गी अनमोड़ लियाम दाई। बस बेटा कुछ बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला, बहुत अच्छा लगा। जमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर एक दफ़ा आपने हमें कॉल किया और कितनी मज़ेदार इन्होंने हमें स्टोरी सुनाई। मैडम नूर जहाँ से इनकी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की, तो ये इस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और असल में हमारी कौम में जो आवाज़ है, सुर साज के साथ जो ताल्लुक़ है, वो अगर बंदे का इंटरेस्ट ना भी हो तब भी उसके अंदर वो है, और बहुत हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो लोग हैं इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं और एक ख़ास अंदाज़ है। तो वेल हम अप्रिशिएट करते हैं, हमारे कितने कॉलर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, और हमने एक प्लेटफॉर्म भी देने की कोशिश की कि आप सब लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं और अपने टैलेंट को जो है वो शोकेस कर सकते हैं। मगर जफर साहब ने चूज़ किया है क्लासिकल साइड को, यानी कि जो रेट्रो म्यूज़िक था उसको चूज़ किया, क्योंकि इन्होंने मिसाल भी दी और ये भी कहा कि मैं तो वैसे भी थोड़ा पुराने ज़माने से हूँ, मगर मैं बताऊँ जफर साहब, आज आप आज के ज़माने में भी उतने ही वाइब्रेंट हैं जितने आप तब होंगे। वेल हमें आप सबकी कॉल्स का भी इंतज़ार है, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मगर हमें एक बात करनी पता कि वो कौन है और वो कहाँ से हैं, तो इनसे पूछते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। ओके जी, कॉलर हमारे साथ थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई या फिर डिसकनेक्ट हो गई या फिर बैलेंस ख़त्म हो गया,
कुछ भी हो गया, अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती है, मगर आप फिर से ट्राई करें। आई नो यू गाइज कीप ट्राइंग, और कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, बट थैंक यू वेरी मच इस एफर्ट के लिए। और एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन, कहाँ से? सोनिया बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। सोनिया, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनिया। और ये बताएं कि आपको हमारा ये 100 एपिसोड्स का सफर कैसा लगा? मजा आया आपको सारे एपिसोड्स का? बहुत मजा आया, मैंने बहुत कॉल मिले लेकिन मेरी कॉल मिली नहीं। अच्छा, कल आपने कॉल किया था, कोशिश किया था आपने? जी जी, बहुत कोशिश की थी, मिली नहीं थी कॉल। तो ये बताएं कि अगर आप कल कॉल करती तो आप क्या कहती? कल कॉल करती तो मतलब बहुत ही मजा, आपके शो को देख के तो बहुत ही मजा आता है, एंटरटेन होता है। ओ यार, ये तो प्रोसेस में ही कॉल कट गई। सोनिया, आप थैंक यू वेरी मच पहले तो कल कॉल करने की, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि आप लोगों से काफ़ी लोगों ने कल कॉल किया होगा जिनकी कॉल नहीं मिली होगी, तो अभी मैं तभी आप लोगों से सवाल फिर से भी पूछ रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ दिस अप्लॉज एंड ऑल ऑफ दिस प्रेजल, एंड विद दैट वी कमिट कि हम आपको जो है इसी तरह एंटरटेन करेंगे कुछ नई नई चीज़ों के साथ। और इस नोट पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा शो जो है वो इंटायरली म्यूजिकल है, और आपको तो पता है कि मैं कितना अच्छा गाना गाता हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी सिंगिंग स्किल्स को थोड़ा कंट्रोल करूँ और आपको एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल गाना जो है वो सुनाऊं और इस आज के शो को मजीद म्यूजिकल कर दूं। इन 3, 2, 1 वेलकम बैक। मैं ज़रा अपनी परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा खो गया था। आपको पता है गाने का ऐसा आप पे यू नो इन्फ्लुएंस होता है कि आप उसके बाद उस इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकते, और फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं अपनी धुन में चला जाता हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी चले जाते होंगे, मगर इतना भी धुन में ना खोइए कि आप लोग ये भूल जाएं कि आपने हमारे शो में कॉल करना है। नंबर्स जो हैं आप लोगों की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, तो नंबर्स को देखिए, कॉल करें। और कॉल करने के बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस टॉपिक से जुड़ा हमारा अगला शो होगा। क्योंकि आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा पसंद है या आज का करंट डायनामिक वाइब्रेंट म्यूजिक। दो के वो जो म्यूजिक था वो भी अपने ज़माने का वाइब्रेंट था, और आजकल हम उसको रेट्रो कहते हैं, बट मैं पर्सनली जो है रेट्रो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उस ज़माने की मौसीकी गायकी जो है वो एक अलग ही लेवल पे थी मेरे नज़दीक, बट आपका ओपिनियन ऑब्वियसली मेरे से डिफरेंट हो सकता है, और आप इस फूल के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। इसी नोट में हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है सर, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? बाबर चीमा बोल रहा हूँ, गुजरावाला से। बाबर चीमा साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। चलें वेरी गुड, ये तो अच्छी बात हो गई। ये बताएं बाबा जीमा साहब कि आप जो है वो आजकल के जो हमारे गाने निकल रहे हैं इनको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं अकेले में, तन्हाई में, या फिर जो हमारे पुराने गाने थे? अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बस नॉर्मल ही है बस ऐसे। तो ज्यादा कौन से पसंद है, पुराने गाने पसंद है या आजकल के? आजकल सुनते हैं, पुराने भी सुनते हैं। अच्छा, तो दोनों ही पसंद है? हाँ जी। आप ये अबरारो का सुना देना, किने किने जाना बिलो दे घर, किने किने जाना बिलो दे घर। हाँ जी, मेरे साथ थोड़ा सा गाए ना बिलो दे घर, हो जाए फिर एक। नहीं, गाना नहीं आता मुझे। ओए होए सर, मैं तो पूरी परफॉर्मेंस के मूड में आ गया था, आपको पता है। सुन सकता हूँ, गा नहीं सकता। सोच सकते हैं? अच्छा सुना दो फिर, थोड़ा सा। थोड़ा सा सर, आप तकल्लुफ ही ना करें, मैं आपके साथ गाऊंगा, आप सुनाएं। किन किन जाना बिलो दे का, असी तो जाना बिलो दे का। या ओह, अभी शुरू हुआ था, खत्म हो गया? आगे टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, टिकट कटाओ, खत्म। ओके चले जी, हमारे साथ हमारे बड़े इंटरेस्टिंग कॉलर थे, उन्होंने हमें कॉल करके किन किन जाना बिलो दे घर का सिर्फ फर्स्ट पार्ट सुनाया, और उसके बाद हमें कहा खुदाफिस। वेल अच्छा लगा, मगर आज का एक और चैलेंज है, मैं आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारा कोई भी कॉलर आए वो हमें किने किने जाना है बिलो द घर अगर 3 वर्स भी सुना दें तो हम उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन दे देंगे अपनी तरफ से हमारे शो में। तो और स्टैंडिंग ओवेशन से हमारा मुराद है कि आपको हम शो में बुला लेंगे, क्योंकि आपने ये डेयरिंग काम किया, तो आज के शो का एक डेयर है, अब से हम शो में एक डेयर भी रखा करेंगे। और आज का डेयर ये है कि आपने किने किने जाना है बिलो द घर, असर जाना है बिलो द घर, इसके 2 से 3 वर्स आपने सुनाने। अभी जो हमारे कॉलर थे ने 1 वर्स सुनाया था, इसके आगे हमने 2 वर्स जोड़ के और सुना दिए, तो यू विल बी इनवाइटेड ऑन आवर शो, इफ यू वांट टू कम यू विल कम। और एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आप कौन, कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहम्मद इमरान साहब, ये बताएं कि आप हमारा शो जो है वो मुसलसल देख रहे हैं या आप थोड़ा सा पहले देखना शुरू किया है? आपको याद नहीं हमारा दुनियापुर? आप दुनियापुर हम पहले नहीं देखते? ओए होए 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 होए, इतने दिनों बाद हमारी कॉल लगी है। ओए होए इमरान साहब, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है मैं आपको भूल जाऊँ? दुनियापुर से आप ही तो हमारे चहेते कॉलेज हमें कॉल करते हैं, मगर आपकी काफी अरसे से सर कॉल नहीं आई थी। कॉल लगे तो आए ना। ओए हाँ, ये वैसे बात आपकी ठीक है। आज जो मेरा एक फेवरेट, आपका फेवरेट पसंदीदा, हाँ जी, मोहम्मद अहमद रजा, वो उसको बहुत बुखार है मेरे बेटे को। अच्छा, बहुत परेशान हुआ रोजाना, वो कह रहा है मुस्तफा भाई हो, दूसरे नहीं हो, मुस्तफा होगा। नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुखार है। मैं अब हमारी दुआएं जी उनके लिए, वो जल्दी से आपके जो साहबजादे वो ठीक हो जाएं। कितनी देर इंतजार किए कि पता छुरी कब उठाएंगे और केक काटेंगे, इतनी इंतजार किए हम बैठे बैठे इंतजार, फिर आपने तो एंड पे छुरी चलाई है। एंड में जाके हमने बिल्कुल केक काटा, मगर आप, आपके बेटे को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम ऑल द बेस्ट विशेस, और वो जल्दी रिकवर कर जाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और फिर उनसे कहेगा कि जब भी ठीक होते हैं हमें वो लाजमी कॉल करें, ठीक है? और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान साहब, आपसे एक सवाल करना है जल्दी से मुझे, मुझे ये बताएं कि इमरान साहब जब खुद अकेले होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, या फिर जब कोई गाना सुनने का शेड्यूल करता है, तो कौन सा गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, आजकल के या जो पुराने हमारे गाने थे वो? ये जो आजकल के ट्रैक ही हैं, आजकल के गाने जी, ये आपको ज्यादा पसंद है? अच्छा, किने किने जाने बिल्लो दे घर की वर्स आती है तीन आपको, ये गाना आपने सुना है इब्राहिम हक का, किने किने जाना है, बिलो दे घर ही सुना है? जाना है बिलो दे घर, लाइन बनाओ टिकट कटाओ। अच्छा, आगे तीन तीन आपने, हाँ सुना है सुना है, किने किने जाना है बिलो दे घर, लाइन बनाओ टिकट कटाओ, असो जाना है बिलो दे घर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मिक्स कर दिया आपने, किने किने जाना है बिलो दे घर, असो जाना है बिलो दे घर। हाँ, आपने पहले लाइन बनवा ली और फिर आपने कहा मैं जाऊंगा, तो ये थोड़ा टेक्निकल मसला हो गया, मगर बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का, मगर अभी भी ये चैलेंज बाकी है। इमरान साहब ने कोशिश की, आधी अधूरी कोशिश, मगर हम उसको फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। मगर फिर इस गाने को फुल फ्लो में, तर्ज में, म्यूजिक फील के साथ गाएगा जो बंदा, उस वो हम मानेंगे उसको डेयरिंग, और हम अपने शो में उसको जरूर इन्वाइट करेंगे। एक और कॉलर है मोहम्मद अब्दुल्ला मुजफ्फरगढ़ से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ से आपने कॉल की, ये बताएं पहले वहाँ पे मौसम कैसा है? बारिश का मौसम बना हुआ, बादल छाए हैं हर तरफ, बादल छाए, बारिश का मौसम है। इस्लामाबाद में भी वैसे ऐसा ही कुछ मौसम चल रहा है। तो ये बताएं कि अब्दुल्ला साहब, आप जो है किने किने जाना है बिलो दे घर की हमें थ्री वर्स सुना सकते हैं जी? ये गाना आपने सुना है किने किने जाना है बिलो दे घर जी? तो ये आप हमें इसके तीन बोल अगर आप सुना दें, तीन वर्सेस इसके सुना दें। ये गाना तो नहीं सुना सकता, ये गाना नहीं सुना सकते जी? अच्छा जी, तो ये बताएं कि क्यों आपको इब्राहिम हक नहीं पसंद जी? इब्राहिम हक साहब नहीं पसंद आपको? ये गाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये गाना अच्छा नहीं लगता, कौन सा अच्छा लगता है जी? जी अच्छा लगता है जी, जी 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 जी। ओके जी, वेलकम बैक टू #LiveBeats, और आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर, यानी कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, और हमारी आज जो गपशप चल रही है, बातचीत चल रही है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है, क्योंकि कल हम लोगों ने अपना 100 एपिसोड जो है वो पूरा किया है, और आज मुझे पता है कि कल काफ़ी लोगों की कॉल्स मिलेंगी, तो आज हम वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ में अभी तक हमारा आज का चैलेंज ऑफ द डे चल रहा है कि इब्राहिम हक आप सबके बहुत फेवरेट सिंगर हैं, उनका एक गाना है किने किने जाना है बिलो दे घर, उसके थ्री वर्स जो भी गा के सुनाएगा उसको हम यहाँ पर सेट पर बुलाएंगे, और साथ में एक सवाल भी है, तो देखते हैं कौन है हमारे नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सज्जाद गुजर मुल्तान से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई कॉल करने के लिए, कैसे हैं आप, और मुल्तान में सब कुछ कैसा है? मुल्तान में बेहतरीन है सब कुछ, बूंदाबांदी लगी हुई है हल्की फुल्की बारिश की। चले चले, हम दुआ करते हैं कि बारिश हो, क्योंकि इस्लाम बेटा आ जाओ, कहाँ पे मेरे इकरा बेटा से बात करें। अच्छा अच्छा, बेटा से जी जी, कराइए कराइए क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या नाम है? इकरा मुल्तान से बात कर रही हूँ।
इकरा इकरा कैसी हो आप, ठीक हो? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। इकरा आप हमारा शो देखते हो? हाँ जी हम आपके शो को बहुत देखते हैं। बहुत देखते हो, चलो थैंक यू। कैसा लगता है आपको हमारा शो? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है? हाँ जी। चले वेरी गुड, आप भी हमारे फेवरेट हो, थैंक यू वेरी मच। इकरा कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी। क्या इब्राहिम हक का अच्छे रख गाना सुनाना है? अच्छे रख गाना सुनाना है या सुनना है? आप सुनाए। ओ मैं सुनाऊं? ओके ठीक है इकरा, डन हो गया। बिस्मा से बात कर ले मेरी बहन बिस्मा। अच्छा जी, कराए कराए कराए। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। हेलो सलाम अलैकुम, कैसे हो आप? हेलो हाँ जी, बहुत शर्मा रही है। हाँ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आपका कॉल करने का, और आपकी पूरी फैमिली का भी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। वेरी स्वीट फैमिली, और आप सब हमारा शो देखते हैं इसका बहुत शुक्रिया अगेन। और आपकी जो बेटी की रिक्वेस्ट है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे, एथेरा गाना हम चलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम परफॉर्म भी करेंगे। मुझे पता है वो गाना आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। किन किन जाना बिलो द घर इज स्लाइडली ओल्ड नाउ, ऐसे रख इज न्यू एंड ट्रेंडी, तो हम वही चलाएंगे आप लोगों की फरमाइश के लिए। मगर उसके साथ साथ हमें आपके बाकी जो हमारे कॉलेज उनका भी इंतज़ार है, और मुझे बड़ा खुशी हो रही है यार कि मुजफ्फरगढ़ में भी बारिश चल रही है, इस्लामाबाद में भी बारिश चल रही है, मुल्तान में भी बारिश है, लेकिन एक ओवरऑल मौसम जो है पाकिस्तान भर में अच्छा हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और आई होप कि सारे लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, दे हैविंग अ गुड टाइम, साथ में हमारा शो भी चल रहा है तो म्यूजिक और साथ में बारिश का तो लीथल कॉम्बिनेशन होता है। इसी नोट पे कॉलर हमारे साथ थे, अभी थे बिल्कुल एकदम थे मगर अब नहीं है, मेरे ख्याल से उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। वेल आप फिर से ट्राई करें और हमारे से बात करने की कोशिश करें, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको पूरा करें। चैलेंज अभी तक है कि 3 वर्स जिसने भी सुना दी किन किन जाना है बिलो दे घर की, तो वो बिलो दे घर तो जाएँ ना जाएँ मगर हमारे यहाँ पर हमारे घर ज़रूर आ जाएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका नाम है एसन और वो हैं अली हसन उनका नाम है, और फैसलाबाद से हैं। कैसे हैं आप अली? सर क्या हाल है, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अली मुझे ये बताओ कि आप हमारा शो रेगुलरली देखते हो? जी नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपका शो। फर्स्ट टाइम? जी। तो आप सुन रहे हो साथ में देख भी रहे हो ना? जी जी बिल्कुल देख रहा हूँ। चलो ठीक है, अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। चलें थैंक यू। अच्छा अली ये बताओ कि हम लोग अपने शो में अक्सर जब भी हमारे कोई भी कॉलर आते हैं तो हमारे यहाँ का मामूल है कि हम कोशिश करते हैं कि उनसे कोई गाना सुने या उनसे कोई शायरी सुने। आज का हमारा चैलेंज भी है कि किने किने जाना है बिलो दे घर का 3 वर्स जो सुनाएगा हम उसको अपने शो में भी बुलाएंगे, तो आप सुनाना चाहेंगे इब्राहिम का ये गाना है? नहीं मैं सुनाना नहीं चाहूँगा, मैं सुनना चाहूँगा आपसे। क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं गाना सुनना चाहूंगा। कौन सा? उस गाने का नाम है मुल विकदा सजन मिल जावे। मुल विकदा सजन मिल जावे। जी जी। अच्छा जी ठीक है, ये गाना हम आपके लिए चलाने की कोशिश करते हैं। इनकेस अगर आज नहीं चला तो आप कल भी शो देखिएगा, कल हम जरूर चलाएंगे। ठीक है ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और फर्स्ट टाइम शो देख रहे थे, मुझे खुशी हुई कि इनको फर्स्ट टाइम देखकर शो अच्छा लगा, विच इज़ वेरी नाइस। तो आप रेगुलरली देखिएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बोल लग रहे हैं मुझे इस गाने के, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ क्योंकि लैंग्वेज जो है थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मगर अभी हम लोग जा रहे हैं गाने पे, मुझे नहीं पता ये गाना कौन सा है, मैं नहीं जानता हूं, मगर क्या पता किसी ना किसी की रिक्वेस्ट इस गाने को सुनकर पूरी हो जाए। लेट्स गो विद द सॉन्ग एंड कम बैक वेरी 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 फास्ट। ओके जी वेलकम बैक, और जिस तरह आप मुलायजा फरमा रहे हैं कि हर गाने का अलग अलग किस्म का असर हो रहा है मेरे ऊपर, इसी तरह गाने जो हैं वो एक जादू से कम नहीं होते, एक मैजिक होता है जो आपको एक ट्रांस में ले जाता है। वेल इस ट्रांस के ऊपर बात करेंगे, मगर क्या है ना कि वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, तो जल्दी जल्दी मेरी कोशिश होती है कि जितने आप लोगों से मैं बात कर सकूँ उतना मैं करूँ। तो जितने भी हमारे नेक्स्ट कॉलर्स हैं नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को फटाफट देखिए और हमें कॉल मिलाएँ ताकि आपसे हमारी आज बात हो पाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं जो मुल्तान से हैं, उनका नाम इकरा है।
उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी इकरा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक है, आप सुनाए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुल्तान में हमें पता चल चुका है कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो मौसम तो अच्छा है। गाना वाना कुछ सुनना चाह रही हैं या सुनाना चाह रही हैं? आप सुना दे, मुझे तो आता नहीं है। ओहो, आपको आता नहीं है तो मैं कौन सा गाना सुना दूं फिर, आप बताएं। जो जो दिल करे, आपकी आवाज इतनी प्यारी है। ये आप असल में बोल रही हैं? हाँ ना, आप बहुत प्यारे हैं। आवाज अच्छी है मेरी, आप ये सीरियसली बोल रही हैं? मुझे मुझे हाँ, वैसे तो सीरियसली कहा है ना। अच्छा ओके ठीक है। मुझे वैसे लोगों ने अक्सर मशवरा दिया कि तुम बेटा गाना कम ही गाया करो, मगर आपके कहने पे मैं कुछ तो कुछ सुना दूंगा। वेल ये बताएं इकरा कि आप हमारा शो शुरू से देख रहे हैं या आज आपका पहला दिन है या आपने कहीं बीच में देखना शुरू किया? मैं स्टार्ट से देख रही हूँ आपका शो। मैंने पहले एक दिन आपको कॉल की थी जब फर्स्ट टाइम था शो का। ओह, तो पहले एपिसोड के बाद आपने 100वें एपिसोड पे कॉल किया। ओके विच इज़ वेरी नाइस। उसके दौरान आप शो देखती रही। वेल इकरा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपने आकर ना एक बहुत अच्छी काम की है, मगर लोगों के लिए अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे लिए अच्छा है। आपने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर दिया है, तो अब ये होगा कि मैं जो यहाँ पे गाना गाऊँगा, और अब एक और बड़ा मसला होगा कि लोग जो है अपने कानों में रोई रख के बैठेंगे, स्पेशली हमारे स्टूडियो के अंदर, और जो लोग सुन रहे होंगे वो भी, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा गाता हूँ। जिस तरह इकरा ने कह दिया, अब तो मैं अच्छा ही गाता हूँ। वेल इसी नोट पर मैं आपको एक गाना सुना दूँ? नहीं, मुझे 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 नहीं लगता ये आप सुने। गाना है बहुत खूबसूरत है, आवाज़ आ रही होगी आपको गाने की, साथ साथ म्यूजिक भी बजेगा, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना, ये देखें। इकरा आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ यार। आज से मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं सिंगर बन गया हूँ। आप जितने लोगों ने इस गाने को सुना, मेक श्योर आपका टीवी म्यूट ना हो, अगर म्यूट हुआ तो आपको ऐसा लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने असल में गाया। तो जिन्होंने गाना सुना है वो नेक्स्ट शो में हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको गाना कैसा लगा, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, और वो आपके कमेंट्स आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। ना भूलिए हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, जिसका लिंक हम आपको आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। उधर आप जाकर अपना टैलेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप में क्या शायरी का टैलेंट है या गाने का टैलेंट है या परफॉर्मेंस का टैलेंट है। ये सारे टैलेंट हमसे आप शेयर करेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और वहां से आपका हमारा जो तालुक है रिश्ता है वो और बढ़ेगा, और फिर आप हमारे साथ यहाँ सेट पे भी आ सकते हैं। मगर आज का जो चैलेंज था, चैलेंज ऑफ द डे, वो किसी ने कंप्लीट नहीं किया, मैं ही कर देता हूँ। किन्नी किन्नी जाना है बिलो दे घर, असा ने जाना है बिलो दे घर, टिकट कटाओ लैंड मनाओ। ये है गाने का तीन बोल जो आपने नहीं गाए। अब कल का चैलेंज, अब से मैंने एक नई चीज ऐड की है, अब आप लोग सारे सुन लो कि हर शो में मैं कोई ना कोई चैलेंज दिया करूंगा। फिलहाल जाने का वक्त करीब आ गया, अफसोस के साथ आई हैव टू गो, आई एम गोना लीव यू गाइस विद अ सॉन्ग, अ वेरी नाइस सॉन्ग। मगर उससे पहले मैं कहूंगा खलविदा, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट कीप ऑन वॉचिंग #LifeBeats।